Hello, Noor. Welcome to our first podcast, Conversations About CSS. To give our viewers some background, Noor is basically an architect जिन्होंने अभी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया कुछ अर्सा पहले, और उनकी 20th पोजीशन है अक्रॉस पाकिस्तान. ही हैज़ बीन एलोकेटेड टू पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. सो वेलकम टू द शो, नूर. थैंक यू सो मच फरुख, मुझे इनवाइट करने का, बात करने का मौका आपने दिया है। यू मोस्ट वेलकम, नूर. नूर, लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी. आपकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग जर्नी रही है. आप पहले आर्किटेक्ट थे, आपने एनसीए से ग्रेजुएट किया, आपने आर्किटेक्चर परसू किया फॉर मेनी ईयर्स, और देन यू डिसाइडेड टू मूव टू सीएसएस. वॉक अस थ्रू दिस जर्नी एंड वॉक अस थ्रू, लेट्स स्टार्ट विद एनसीए. हाउ वाज एनसीए एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक? फरुख, एनसीए का बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था और आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन पाकिस्तान। और एनसी की सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि दे टीच यू हाउ टू थिंक। वो एक बहुत, मैं कह सकता हूँ कि एक यूनिक किस्म का वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है जो कि और किसी इंस्टीट्यूट में, आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर इंस्टीट्यूट्स, लेकिन डेफिनेटली एनसीए में जो है ना वो आपको सोचना सिखाते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। अगर आपने उसको एक लाइन में कंसाइज करना है कि एनसीए की पूरी फिलॉसफी क्या है, दे टीच यू हाउ टू थिंक अनकन्वेंशनली और आपने आउट ऑफ बॉक्स कैसे सोचना है। तो पूरे आपका जो एनसीए का जर्नी है पहले दिन से लेके आखिर दिन तक, वो आपके लिमिट्स को पुश करते हैं और आपको एक नए तरीके से जो है ना ज़िंदगी को देखने का एक पूरा एक पर्सपेक्टिव दिखाते हैं कि अगर आपने एक बिल्कुल रैंडम चीज़ भी देखनी है जो कि आम लोगों की नज़र में मे बी वो यूज़लेस हो, उसको भी आपने कैसे यूज़ करना है। तो आप देखेंगे कि एनसीए के आर्टिस्ट जो होते हैं वो ऐसी रैंडम चीज़ों को मे बी बिल्कुल जो आपने कहीं फेंकी होंगी, ट्री के लीव्स हो सकते हैं, गार्बेज हो सकते हैं, बिल्कुल मंडेन यूज़लेस चीज़ें जो कि आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको ले के भी वो कोई आर्टवर्क क्रिएट कर सकते हैं, उसमें से कोई मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज उनकी नज़र में जो है उसकी भी कोई यूटिलिटी है। तो एनसीए का बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था और उसमें बहुत अच्छे टीचर्स ने पढ़ाया, बहुत उनका एक विज़न था, डिफरेंट ज़िंदगी के पर्सपेक्टिव्स मिले और जो बेसिक आपकी एक सोच थी उसको उन्होंने चैलेंज किया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एनसीए का और मैं बड़ा इस चीज़ पे बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैंने वहाँ से आर्किटेक्चर पढ़ा। परफेक्ट परफेक्ट. अच्छा, अर्लियर व्हेन वी वर टॉकिंग, तो लास्ट आंसर में भी एंड अर्लियर व्हेन वी वर टॉकिंग, यू टॉक्ड अबाउट योर पैशन रिगार्डिंग एजुकेशन, एंड इवन इन द आंसर दैट यू जस्ट गेव यू टॉक्ड अबाउट द वैल्यू ऑफ एनसीए, एंड नॉट जस्ट यू नो द एकेडमिक वैल्यू बट द वैल्यू दैट इट एडेड टू योर लाइफ, एंड यू आर ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट एजुकेशन. सो वॉक अस थ्रू दैट, वाई आर यू सो पैशनेट अबाउट एजुकेशन, एंड वॉट मेड यू, आपकी जो इतने साल की जिंदगी है, की जो जर्नी है, हाउ डिड यू बिकम सो पैशनेट अबाउट एजुकेशन? देखिए फरुख, एजुकेशन का मकसद क्या होता है? एजुकेशन विल टीच यू हाउ टू थिंक। और अगर एजुकेशन वो चीज़ नहीं कर रही तो इट्स नॉट फुलफिलिंग इट्स प्राइमरी पर्पस, कि वो आपको सोचना सिखाती है। क्रैमिंग आप कर सकते हैं, आप चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी मकसद है ना एजुकेशन का, दैट इज़ टू मेक यू थिंक, कि आप क्रिटिकली कैसे सोच सकते हैं, आप एक दुनिया को ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, आप अपने इन्वायरमेंट से कितना कनेक्ट करके उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसलिए एजुकेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आपकी एक पूरी आप जो पब्लिक है वो एजुकेटेड होगी, उससे पूरे मुल्क के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट आता है मल्टी डायमेंशनल, वो सोशल हो, वो टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिक हो, वो हर एस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट होता है कि द वे योर पीपल थिंक रिफ्लेक्ट्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीएसएस में टेस्ट भी यही कर रहे होते हैं कि आप क्रिटिकली कितना सोच सकते हैं, आप एक नए प्रॉब्लम को किस तरह से उसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं और किस तरह से जो है ना आप उसको कंसेप्चुलाइज करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, डिकन्स्ट्रक्ट करते हैं और फिर इवेंचुअली उसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। तो सीएसएस मुझे लगता है कि बड़ा एक ज़बरदस्त, आप कह सकते हैं उसका एक सिस्टम बना हुआ है जो कि आपकी ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ना वो टेस्ट करता है और उसके थ्रू जो है वो फिर आपकी जो है वो उस पर सिलेक्शन होती है। परफेक्ट. नूर, यू जस्ट टॉक्ट अबाउट सी एस एस एंड हाउ इट बेसिकली इवेल्यूएट्स अ कैंडिडेट्स एबिलिटी, कि वो डिफरेंट परस्पेक्टिव से कितना वैल्यू कर सकता है या उनके बारे में कितना अपनी जजमेंट फॉर्म कर सकता है. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल बी टेकिंग सी एस एस इन द कमिंग मंथ्स. आपकी उनको क्या रिकमेंडेशन होगी एंड हाउ विल यू रिकमेंड देम टू अप्रोच द एग्जाम्स टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स? देखिए फरुख, सी एस एस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू लर्न हाउ टू थिंक, यू लर्न हाउ टू एनालाइज,
आपने हर चीज़ को क्रिटिकली देखना है, न्यूट्रली देखना है, एज एन एकेडेमिक देखना है, बिल्कुल अनबायस्ड होके। ये बड़ा ज़रूरी है। आप एक चीज़ को अगर देख रहे हैं, टीवी पे कोई न्यूज़ चल रही है, या आप अखबार पढ़ रहे हैं, या कोई एक्चुअलिटी में कोई चीज़ हो जाती है, यू शुड बी एबल टू थिंक अबाउट इट फ्रॉम मल्टीपल परस्पेक्टिव्स। आप हर किसी के शूज़ में आके उसको देख सकें, ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ नोन एज क्रिटिकल एनालिसिस। एनालिसिस की लोग बात करते हैं, लेकिन एनालिसिस होता क्या है ये किसी को समझ नहीं आती। एनालिसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन समथिंग इनटू इट्स कंपोनेंट्स। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अगर उसका ब्रेक डाउन करें, उसके छोटे 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 पीस करें, एक एक पीस पे अगर आप तवज्जो दें, उसको समझें, ताकि आप उसके होल को समझ सकें। तो अंडरस्टैंडिंग समथिंग बाय डिवाइडिंग इट इंटू इट्स पार्ट्स इज नोन एज एनालिसिस। और वो तभी आता है जब आपकी वो एक पूरी प्रैक्टिस हो। इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ स्किल जो कि आप ओवर टाइम डेवलप कर सकते हैं। तो मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा कि आप बुक्स पढ़ें, आप टीवी देखें, उसके बारे में आप सोचें, और आपकी जो ऑलरेडी सोच है ना, उसको आप चैलेंज भी करें, कि जो आप और आपके थिंकिंग पैटर्न्स हैं फिक्स्ड, और जो भी आपके थिंकिंग पैटर्न्स हैं, एक चीज़ पे अगर आप एक पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, जो आपको गलत पर्सपेक्टिव लगता है, उससे भी सोचना सीखें, और उसके भी मेरिट्स डीमेरिट्स को न्यूट्रली एनालाइज करके फिर इवेंचुअली उस पर कोई ओपिनियन फॉर्म करें। तो आपका एक मल्टी डायमेंशनल जो है पर्सपेक्टिव होना चाहिए। परफेक्ट। अच्छा, एक जनरल मिसकॉन्सेप्शन या एक जनरल जो सीएसएस के बारे में राय है वो ये है कि आपको सीएसएस के लिए बहुत कुछ याद करना पड़ता है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप याद कर लें, आप नोट्स फल किसी पुराने सीएसपी के नोट्स लेके वो याद कर लें आप, या आप ये जो तमाम इन लाइन्स के ऊपर है, हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दैट? बिकॉज यू जस्ट टॉक्ट अबाउट, यू डिडंट टॉक अबाउट बेसिकली क्रैमिंग इन्फॉर्मेशन एट ऑल, यू टॉक्ट अबाउट नोइंग समथिंग, नोइंग द सब्जेक्ट मैटर एंड बींग एबल टू क्रिटिकली एनालाइज द सब्जेक्ट मैटर एंड हैविंग योर ओन यूनिक परस्पेक्टिव। बट आई थिंक वी मोस्टली सी स्टूडेंट्स आस्किंग ब्यूरोक्रेट्स फॉर देयर नोट्स एंड यू नो जस्ट क्रैमिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो वट विल यू से अबाउट दैट एंड टू दिस स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग? जी फरुख, यू आर राइट। ये एक बहुत जनरल परसेप्शन है कि जो पास हुआ है सीएसएस ऑफिसर, उसके हम नोट्स ले लें तो हम वही चीज़ रिप्रोड्यूस कर देंगे। ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है। एंड इट्स नॉट अबाउट नोट्स कि आप एज इट इज़ कोई नोट्स किसी के ले लें, वो याद कर लें, और उससे होगा। नोट्स वही हैं जो आप खुद बनाते हैं, बिकॉज नोट्स आपकी मेमोरी को हेल्प करने के लिए हैं। तो इट्स नॉट अबाउट क्रैमिंग। अगर सीएसएस में आपको नॉलेज चाहिए, वो डेफिनेटली चाहिए, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करता, बिकॉज नॉलेज जो है वो उसका बेसिक फ्रेमवर्क है। आपने अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री इज़ प्योर नॉलेज, उसमें फैक्ट्स हैं, उसमें फिगर्स हैं। प्रॉबेबली आपको इवेंट्स को देखना पड़ेगा, उसमें लोगों के नाम याद करने पड़ेंगे, लोगों की डेट्स भी याद करनी पड़ेंगी, लेकिन इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इज़ नॉट द रिप्रोडक्शन ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन एज इट इज़, कि ये डेट है, इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ। दे आर नॉट टेस्टिंग योर मेमोरी, व्हाट दे आर टेस्टिंग इज़ हाउ यू थिंक। क्या आप में एक एनालिसिस की कैपेबिलिटी है? तो क्रैमिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप रिपीटिशन करें इन्फॉर्मेशन की ताकि आपको वो याद रहे, लेकिन पेपर में जब आप जाएं उस पर अपना एक ओपिनियन दें और एक फ्रेश किस्म का पर्सपेक्टिव उसमें प्रोड्यूस करें। तो मैं बिल्कुल इस बच्चों को जो है डिस्करेज करता हूँ, स्टूडेंट्स को डिस्करेज करता हूँ कि आप क्रैमिंग की तरफ ना जाएँ। आप इन्फॉर्मेशन को रिपीट ज़रूर करें, लेकिन क्रैमिंग से सीएसएस पास नहीं होता, दैट इज़ द फैक्ट। परफेक्ट। नूर, कैन यू गिव अस एन एग्जांपल ऑफ दिस? फॉर एग्जांपल, कैन वी टेक एनी एग्जांपल आप खुद दे दें ऑफ सम इवेंट जिसके बारे में स्टूडेंट्स जनरली बहुत ज़्यादा डेट्स याद कर रहे होंगे और उसको स्टूडेंट्स किस तरह एनालाइज करें एक्चुअली? तो लेट्स टॉक अबाउट लेट्स से क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज के अंदर हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, फलां जो था अग्रीमेंट साइन हुआ, फलां ने ये किया, फलां ने वो किया। हाउ डू यू क्रिटिकली एनालाइज, हाउ डू यू बिगिन, कि इसके प्रोज ये हैं, कौन सी हैं, इज दैट व्हाट यू मीन टू से? या तो जस्ट वॉक। देखिए, अगर फर्स्ट करें, आप क्लाइमेट चेंज का एक टॉपिक ले रहे हैं, ऑल्दो ये बड़ा एक स्टैटिक टॉपिक है, लेकिन स्टिल इसके ऊपर भी आपसे जो एग्जामिनर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यू नीड टू प्रोड्यूस समथिंग ओरिजिनल, आप अपनी उस पर एक थिंकिंग दे सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लाइमेट चेंज का एक टॉपिक ले रहे हैं, तो इसकी क्रैमिंग क्या होगी? फर्स्ट करें, अगर आप उसे क्रैम करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉबेबली आप स्टेटिस्टिक्स जो है वो क्रैम करने की कोशिश करेंगे, कितने डिग्री जो है वो ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है, कुछ इस किस्म के फैक्ट्स आप याद करने की कोशिश करेंगे, मे बी आप क्योटो प्रोटोकॉल याद करने की कोशिश करेंगे, और इस किस्म के जो भी उसके ऊपर काम हुआ है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, दैट इज़ फाइन, कि क्या क्या हो चुका है और उसके साथ डेट्स, दैट इज़ नेसेसरी, क्योंकि उसके साथ कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए।
लेकिन अगर आप बहुत सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर देंगे फाइनली क्लाइमेट चेंज में, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इवेंचुअली अगर आपने उस पर एनालिसिस करना है तो उसका डिफरेंट तरीक़ों से एनालिसिस करना है। एक प्रॉब्लम को मल्टी डायमेंशनल, अगर आप उसकी वजूहात को एनालाइज करें क्लाइमेट चेंज को, उसकी कॉजेज को, उसको आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखें। आप देखें, अगर आप उसे सोशल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आप देखें क्या वजूहात हैं कि आज ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या वो सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है। मे बी आप कैपिटलिस्ट एक पूरा उसका पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि कैपिटलिज्म जो कि अब इतना ग्रो हो चुका है एज अ निज़ाम 100, 200, 300 सालों में, उसका बहुत बड़ा एक रोल है क्लाइमेट चेंज में, तो क्या हमें अपने इकोनॉमिक सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए। अब आप देखें एक तरफ इकोनॉमिक सिस्टम है, दूसरी तरफ बिल्कुल एक एनवायरमेंटल चीज़ है, लेकिन मे बी उसका कोई लिंक है कि आपका जैसे इकोनॉमिक सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है उसमें आपके रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट कर रहे हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एक पूरे का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो आपके एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मे बी वी नीड टू रिफॉर्म दैट, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू, बट मे बी दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू कम अप। फिर हो सकता है उसका आप कोई पोलिटिकल एनालिसिस कर सकें, उसका कोई सोशल एनालिसिस भी कर सकें कि एक सोसाइटीज़ इस तरह से चेंज हो चुकी हैं, हमारे नॉर्म्स ब्रेक हो चुके हैं, हम अपने एनवायरनमेंट से अब उतना कनेक्टेड नहीं होते। आज से मे बी 1000 साल पहले कि आप अगर माशरे देखें वो बहुत ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट से कनेक्टेड थे, हम लोग बिल्कुल एलिनेट हो चुके हैं अपने एनवायरनमेंट से, हम लोगों को उससे कोई एक कनेक्शन फील नहीं होता। हम आज सुपरमार्केट जाते हैं और हम लोग कोई भी चीज़ ख़रीद के आ जाते हैं, हमें नहीं पता होता वो कहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, हमें नहीं पता वो वीट है, वो मीट है, वो कोई भी खाने की चीज़ वो कहाँ प्रोड्यूस हुई, वी डोंट प्रोड्यूस इट आवर सेल्व्स। और हम मॉडर्न माशरे में हम कम्प्लीटली एक इंडिविजुअलिस्टिक और इन्वायरमेंट से कट ऑफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज भी अगर आप देख लें अमेज़ॉन फॉरेस्ट में कई ऐसी जगह हैं वहाँ पर लोग मौसमों को देखते हैं, एक एक चीज़ को मेजर करते हैं, दरख्त पे क्या हो रहा है, वहाँ के जानवर कैसे बिहेव करें, दे फील कनेक्टेड विद द एनवायरनमेंट। तो मे बी एज अ सोसाइटी हम लोग इस किस्म के हो चुके हैं कि हम लोगों को क्लाइमेट चेंज या इस किस्म की कोई चीज़ फील नहीं होती, लेकिन वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट्स डिस्ट्रक्शन। ये मैंने आपको सिर्फ एक दो एग्जाम्पल्स दिए कि आप इकोनॉमिकली उसका एनालिसिस कर सकते हैं, आप उसका सोशली एनालिसिस कर सकते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स हाउ यू थिंक अबाउट समथिंग। ये मैंने आपको बड़ी एक जनरल सी ना एग्जाम्पल्स दी हैं क्लाइमेट चेंज पे। परफेक्ट, थैंक यू सो मच नूर। नूर, यू आर ऑल्सो अ फोटोग्राफर एंड यू ऑल्सो ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट द एंटायर पाकिस्तान, एंड अर्लियर व्हेन वी वर टॉकिंग यू टोल्ड मी के जो ये आपका पैशन है फॉर ट्रैवलिंग एंड एजुकेशन, दिस मोटिवेटेड यू टू सर्च योर फील्ड फ्रॉम बीइंग एन आर्किटेक्ट to becoming a bureaucrat because you wanted to do something in education and you think that students in Pakistan need to get better education. Tell me something about it. Okay, how do you think bureaucracy connects with education and what do you want to do? देखिए जो bureaucracy है that controls the whole administrative structure of Pakistan, और वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाते हैं, वो उसको असेस करते हैं कि क्या उसके इम्पैक्ट्स हैं, क्या उससे फ़ायदा होगा। आज हम अगर एक चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका स्टेटिस्टिकल पूरा एनालिसिस होता है कौन से एरियाज़ में उसका इम्पैक्ट होगा, उसका जेंडर्ड एनालिसिस होता है कि उसका जो ख़वातीन है उन पर क्या इम्पैक्ट होगा, कितने साल के बच्चों पर होगा, तो एक पूरा उसका एनालिसिस होता है एंड दैट इज़ व्हाट ब्यूरोक्रेट्स डू। और स्पेशली पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो है वो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इवेंचुअली जो है वो इस तरह की चीज़ों पे काम कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग देखें जहाँ पे पोस्ट होते हैं पीएएस वाले, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले, वो रूरल एरियाज़ होते हैं या फार फ्रेच्ड एरियाज़ होते हैं जहाँ पर अंडर डेवलपमेंट होती है, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ रूम कि आप उस पर काम कर सकते हैं। और पाकिस्तान में इस चीज़ पे काम होने की काफ़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन में काम होने की ज़रूरत है, बच्चों को वो मौका मिलने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में वो भी आगे हो पाएं। एंड आई एम रियली हैप्पी कि अब इस पे बहुत काम हो भी रहा है एजुकेशन पे, और कई इस किस्म की चीज़ें लॉन्च हो रही हैं कि सारे बच्चों को जो है वो एक इक्वल एक्सेस हासिल हो, क्वालिटी एजुकेशन हासिल हो। क्योंकि देखिए एजुकेशन लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसका आपस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और एजुकेशन अवेयरनेस का बहुत लिंक है। तो ये दोनों चीज़ें आप देखेंगे कि जहाँ पे लिटरेसी कम है वहीं पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम है। पाकिस्तान में आप देखेंगे ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो साथ साथ चल रहे होते हैं। इस वजह से आप देखेंगे कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है उस चीज़ को इम्प्रूव करने में, जो एक किरदार अदा कर सकती है। एजुकेशन की भी हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे कॉलेज ग्रेजुएट्स हुए हैं अभी रिसेंटली,
वो देख रहे होंगे कि उनको किस तरह अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए, एंड अ लॉट लॉट ऑफ देम विल बी आइंग सीएसएस आल्सो. व्हाट विल बी योर रिकमेंडेशन टू देम कि वो सीएसएस को किस तरह अप्रोच करें, एंड व्हाट विल बी योर रिकमेंडेशन टू देम इन जनरल कि वो लाइफ को किस तरह अप्रोच करें, एंड हाउ शुड दे मेक यू नो द डिसीजन ऑफ ऑप्टिंग फॉर अ करियर? बड़ा अच्छा सवाल है फरुख ये आपका, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे ग्रेजुएट्स करते हैं उनकी क्या थिंकिंग प्रोसेस होता है कि या तो हम जॉब पे लग जाएं, कोई अच्छी जॉब हो जो कि उनको इकोनॉमिकली पे ऑफ करे, या हम सीएसएस कर लें, ब्यूरोक्रेसी में आ जाएं. मोस्टली जो है वो अब सीएसएस की भी कोई ना कोई कोशिश करते हैं. देखें अब आपके पास चॉइसेस क्या हैं, सीएसएस में अनसर्टेनिटी तो है, तो मैं तो लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी डिग्री जिस चीज़ में करें डेफिनेटली उसमें अपना एक कैरियर भी सिक्योर करें, और सीएसएस की भी अटेम्प्ट दें, लेकिन उसके ऊपर पूरी तरह रिलाय ना करें. उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम होती है और उसमें यू जस्ट डोंट नो कि व्हाट्स द आउटकम. लेकिन मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सीएसएस के लिए सीरियस हैं और आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इसको 1-1.5 साल ज़रूर दें, पूरा टाइम लगाएं, अपनी फाउंडेशन बिल्ड करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपनी तैयारी को बिल्ड करें. आप बुक्स पढ़ें, पहले जनरल बुक्स पढ़ें, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम समझें, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम समझें, न्यूज़ देखना शुरू करें. कुछ महीने जो है ना अपनी पूरी आप बेस बनाएं, टाइम ले के आप तैयारी करें सीएसएस की, ताकि वो सर्टन रिजल्ट हो. अगर आप बहुत जल्दी में करेंगे तो मे बी आप पास कर जाएं, वो डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको टाइम लेके अपनी फाउंडेशन बिल्ड करें, अपनी इंग्लिश को बेहतर करें, अपनी ग्रामर को बेहतर करें, राइटिंग प्रैक्टिस करें, राइटिंग को इम्प्रूव करें, ग्रामर को इम्प्रूव करें. ये बेसिक जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं ना सीएसएस के, जो कि हर पेपर में रिक्वायर्ड हैं, वो अपने इम्प्रूव करना शुरू करें, और इवेंचुअली जब 1 साल आपका रह जाए सीएसएस में, फिर आप सिलेबस पे आएँ और सिलेबस स्पेसिफिक अपनी ना तैयारी करें. तो मैं आपको ना ये रिकमेंड करूँगा जो बिल्कुल ही अभी नए बच्चे जो है ना ग्रेजुएट करके आ रहे हैं. जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं, इफ़ यू हैड टू यू नो अगर उन लोगों ने अपनी टाइमलाइन बनानी हो, लेट्स से फ्रॉम 1.5 इयर्स, तो हाउ विल यू डिवाइड बेसिकली कि वो पहले 3 महीने किस चीज़ पे लगाएं, अगले 4 महीने किस चीज़ पे लगाएं, बेस बनाने में कितना टाइम लगाएं, सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरह करें, एंड यू नो हाउ विल यू बेसिकली रिकमेंड देम कि उनका जो पूरा रोड मैप है फॉर प्रेप, हाउ शुड दैट लुक लाइक? Because there's a lot of advice around it, I know also, and there's a lot of misleading, I think, advice around it also, and there are a lot of trends that students generally follow, yeah, misconceptions around. What will you say? देखिए काफ़ी सारे लोग आपको कहेंगे कि 3-4 महीने में भी सी एस एस हो सकता है. मैं किसी को जानता हूँ उसका हो गया था 3-4 महीने में. आपको काफ़ी सारे मिलेंगे. वाइल दैट इज़ इनकरेजिंग कि यार 3-4 महीने में उसका हो गया, दैट इज़ क्वाइट इनकरेजिंग कि यार अच्छा 3-4 महीने में, बट दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल. और जो एक्सेप्शन होता है ना वो नॉर्म नहीं हो सकता कि एक बंदे का हो गया, दैट डजेंट मीन कि बाकी सब का भी वैसे होगा. तो आप टाइम लगा के करें, साल डेढ़ लगा के करें. 1.5 साल अगर आप लगा दें, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा, और ये 1.5 साल उनके लिए कर रहा हूँ जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है. कई लोग होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी बैचलर्स में वो चीज़ें पढ़ी होती हैं, लेकिन 1.5 साल अगर आप लगा दें तो उसमें पहले 6 महीने स्टार्ट विद योर इंग्लिश, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करें ताकि आप फ्लॉलेस ग्रामर लिख सकें. इंग्लिश से स्टार्ट करें और साथ साथ आप पाकिस्तान अफेयर्स जो है ना उसको स्टार्ट करें. और पाकिस्तान अफेयर्स को शुरू में आप कैसे कर सकते हैं कि आप उस पर बुक पढ़ें, उसके ऊपर ओवरऑल बुक पढ़ें, पाकिस्तान की हिस्ट्री की बुक पढ़ें. इयान टैलबर्ट की बुक है पाकिस्तान मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत अच्छी बुक है, वो पढ़ें. मलिहा लोधी की बुक है पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, वो पढ़ें. एनाटोल लेविन की बुक है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, ये सारी बुक्स आप कुछ ना कुछ पढ़ें, आपके पास टाइम होगा. फिर हेनरी किसिंजर की वर्ल्ड ऑर्डर है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है. तो आप जनरल बुक्स पढ़ें, इसको जनरल रीडिंग कहते हैं, उससे आपकी एक फाउंडेशन बनेगी. अभी आप सिलेबस की तैयारी नहीं करें, अभी आप एक जनरली अपने आप को एक्सपोज करें इन चीज़ों से. फिर यूट्यूब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, World War II, World War I, Cold War, जनरल वर्ल्ड हिस्ट्री पे बुक पढ़ें, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, ताकि आपका एक उस किस्म का फ्रेम ऑफ माइंड बनता जाए, उस किस्म की एक आपकी बॉडी ऑफ नॉलेज डेवलप होती जाए कि किस किस्म का नॉलेज जो है वो मुझे रिक्वायर्ड है. आप उस फ्लो में आए, 6 महीने में, 4-5 महीने आप शुरू में इसी तरह लगाएं, अपनी एक फाउंडेशन बिल्ड करें, पाकिस्तान की फाउंडेशन बिल्ड करें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की. आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ अखबार पढ़ें, उसके ओपिनियंस पढ़ें. आई नो पहले 2-3 महीने आपको बहुत मुश्किल होगी, आपको ऐसे लगेगा मैं अखबार पढ़ रहा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, एडिटोरियल पढ़ रहा हूँ मुझे कुछ नहीं समझ आ रही. ये नेचुरल है.
अपनी वीकनेस को आपने यूं नहीं बना लेना कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे नहीं है, वो नेचुरल है, हर बंदा उससे गुजरता है। जब पहली दफ़ा अखबार पढ़ते हैं, नो वन इज़ यूज टू दैट, नो वन इज़ यूज टू रीडिंग बुक्स, वो सब एक आदत डलती है। एंड द बेटर यू गेट एट इट द मोर यू एन्जॉय इट। शुरू में मुश्किल होता है, बाद में जो है आप कह सकते हैं कि आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स आना शुरू होते हैं, आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जहन में कनेक्ट होना शुरू होते हैं। तो पुश थ्रू दैट इनिशियल फेज़ जो थोड़ा मुश्किल लगता है, जो कि एक स्टार्टिंग फेज़ है, फिर आप इन्जॉय करना शुरू हो जाएंगे। 6 महीने बाद जब आपका 1 साल रह जाए ना CSS में, फिर आपने सिलेबस स्पेसिफिक तैयारी करनी है। और सिलेबस स्पेसिफिक क्या है, जो आपको सिलेबस दिया गया है, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उसके हिसाब से आपने सिलेबस कवर करना है और कम्प्लीटली कवर करना है। ये एक मेरी, अगर पूरे CSS को मैं कंसाइज करके उसमें बताऊं, आपने सिलेबस कंप्लीटली कवर करना है, एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल रिलेशंस एक बहुत वाइडली ऑप्टेड सब्जेक्ट भी है, तो व्हाट विल यू से अबाउट दैट? व्हाट विल यू नो, अगर आपको स्टूडेंट्स को उसमें एडवाइस देनी हो तो वो क्या है? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो एक बड़ा कंसेप्चुअल किस्म का सब्जेक्ट है। उसके दो ही मेन पार्ट्स हैं, एक तो उसकी जो हिस्ट्री, उसमें मेन आपने कवर करनी होती है, और दूसरी है थीरीज। और ये आपने बहुत एक क्लीशे उसकी एक एडवाइस सारे देते हैं, और वो यही है कि थीरीज को आपको समझ के करना चाहिए। पर उसमें बच्चे जहाँ लैग करते हैं वो ये है कि उस थीरी को एक्चुअल दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। इसीलिए फिर यहाँ पे वही वाली बात आ जाती है कि व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग, व्हेन यू लर्न समथिंग न्यू, ट्राई टू अप्लाई दैट, इवन दैट इज़ सोशियोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, क्रिमिनोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, कोई भी आप कॉशनल है, या वैसे भी आप ज़िंदगी में कुछ पढ़ते हैं, तो उस पर आप सोचने की कोशिश कीजिए कि ये असल दुनिया में कैसे अप्लाई होता है। थ्योरी एब्स्ट्रैक्ट आपके जहन में होती है, लेकिन उसकी अगर आपको एप्लीकेशन नहीं समझ आती, आप उसको दुनिया से लिंक नहीं कर सकते, देन दैट इज़ जस्ट एन आइडिया जो कि आपके जहन में है, उसकी कोई एक्चुअल रेलिवेंस नहीं है। जो भी थ्योरी आप समझें उसको दुनिया से कनेक्ट कर कर के जो है ना, आप अपनी कंसेप्चुअल बेस बिल्ड करें। एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस है, सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट है, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है, एनार्की का कॉन्सेप्ट है, उनको आप एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से निकल के, अपने जहन से निकल के एक्चुअल दुनिया में ढूंढने की कोशिश करें। यहाँ पे फिर वो ऑब्जर्वेशन वाली जो बात हम कर रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, सारा कुछ जो है वो आपस में लिंक्ड होता है, कि कैसे आपके जहन में एक आइडिया है एंड हाउ यू कैन यूज़ दैट आइडिया टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। थ्योरी होती क्या है? थ्योरी इज़ जस्ट एन आइडिया जिससे यू ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। थ्योरी ट्राइज टू एक्सप्लेन हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। ये साइंटिफिक थ्योरी हो या वो सोशल साइंसेस की कोई थ्योरी हो, थ्योरी इज़ जस्ट अ जनरलाइज्ड आइडिया जिससे आप एक मैस फिनोमिना को, जो आप देखते हैं अपनी आंखों से, ऑब्जर्व करें, विच इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। अगर वो न्यूटन ने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल पुल की, तो वो एक फिनोमिना है जो हम देखते हैं कि चीज़ें सारी गिरती हैं अर्थ की तरफ, और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इस अर्थ के साथ लगी हुई, तो वो क्या है, उसके पीछे एक जनरल आइडिया आ गया कि एक फोर्स है जो कि सबको पुल करती है। सोशल साइंसेस की भी जो थ्योरी होती है वो एक मैस फिनोमिना को, आप टीवी खोलते हैं, कोई एक डील हो रही है, कोई एक मुल्क है उसके प्रेसिडेंट ने कोई स्टेटमेंट दे दी है, कहीं पे कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, मैं IR के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, लेकिन दिस अप्लाइज टू ऑल सोशल साइंसेज, आप एक मैस फिनोमिना देखते हैं, उसमें रैंडम ऑकरेंसेज हो रही हैं जो कि आप देख रहे हैं। थ्योरी हेल्प्स टू एक्सप्लेन कि ये सब हो क्यों रहा है। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक आइडिया जो है वो सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो थ्योरी को आप इस तरह से समझने की कोशिश करें कि वो एक एक्चुअल दुनिया को ही एक्सप्लेन करने के लिए डेवलप होता है। थ्योरी स्टैंड लोन कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए आप इस तरह से समझें, उसको दुनिया के साथ कनेक्ट करें। इस पर फिर भी कभी डिटेल में बात हो सकती है कि कैसे आपने अपनी कंसेप्चुअल बेस बनानी है, कैसे आपने जो है वो एक पूरा फ्रेमवर्क बनाना है सोचने का। जब तक आप वो नहीं बनाएंगे आप जो हैं थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो एक एडवाइस दी जाती है थ्योरी अप्लाई करें, इट जस्ट मीन्स यू नीड टू लर्न कि हाउ टू लुक एट द वर्ल्ड थ्रू द लेंस ऑफ दैट थ्योरी, या थ्रू द अजम्पशंस ऑफ दैट थ्योरी, कि वो दुनिया को जैसे एक्सप्लेन करती है आप उससे दुनिया को देख सकें, आप दुनिया को एक्सप्लेन कर सकें कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है,
और आगे जो होगा फ्यूचर में वो क्यों होगा, सो यू शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट थिंग्स एज वेल। थ्योरी की यही जो है ना सारी उसकी बेसिक क्रक्स होती है कि वो तो एक्सप्लेन करे जो हो रहा है एंड इट शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट समथिंग इन द फ्यूचर एज वेल, वरना अगर थ्योरी ये सब कुछ नहीं कर सकती तो वो थ्योरी यूजलेस है। Perfect, no? So to summarize the entire podcast, the short podcast, basically हम लोगों की जो सारी podcast है वो central idea के around revolve कर रही है कि फिर ऑफिस में जाना या CSS का एग्जाम क्लियर करना, इट्स नॉट अबाउट क्रैमिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट अबाउट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस व्हाट इज ऑलरेडी रिटन, इट इज अबाउट हैविंग अ यूनिक पर्सपेक्टिव, इट इज अबाउट हैविंग गुड थिंकिंग स्किल्स, इट इज अबाउट हैविंग द एबिलिटी टू क्रिटिकली एनालाइज द वर्ल्ड अराउंड यू. Thank you so much, Noor, for being with us. We'll also have a second podcast in which we'll discuss the role of academics in CSS prep, how to basically prepare for the different subjects, how to opt the optional subjects, which is, I think, ek aur bahut bada topic hai CSS ke andar ka. So we'll look at all of those things. Lekin for now, this is it. Thank you so much for being with us. Thank you so much, Farooq, for having me today. It was a nice conversation with you, and see you next time. Allah Hafiz. Thanks.